जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि कपिल शर्मा अपने शो के साथ इस दिवाली पर टीवी पर वापसी कर रहे हैं, उनके फैंस पल के बिछा कर उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब कपिल के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, कपिल शर्मा के जो फैंस उनके टीवी शो द कपिल शर्मा शो से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि इसके मेकर्स इसे दिवाली पर ऑन एयर करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कपिल शर्मा के शो को वापस शुरू होने में वक्त लग सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शो दिवाली तक ऑन एयर करना लगभग नामुमकिन है। बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि कपिल शर्मा के फैंस को उनके टीवी शो के लिए दिसंबर तक इंतजार करना होगा, यानी अभी शो शुरू होने में काफी ज्यादा देर है। एंटरटेनमेंट पोर्टल पिंक फिला की रिपोर्ट की माने तो सूत्रों के हवाले से इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि मेकर्स द कपिल शर्मा शो को दिसंबर तक के लिए खींच सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव टीम अभी तक तैयार नहीं है। इसके अलावा ये शो पहले फिल्म सिटी में शूट होना था, लेकिन अब सही जगह की तलाश हो रही है क्योंकि ज्यादातर सेट बिजी है। वहीं कपिल शर्मा का प्रोडक्शन हाउस K9 कर्जे में है, ऐसे में कोई बाहरी मदद भी नहीं मिल पा रही है। वहीं फ्रेम्स प्रोडक्शन जिसने पहले इस शो को प्रोड्यूस किया था वो भी इससे हाथ खींच चुका है। तो ऐसे में अभी इस शो के मेकर्स को एक प्रोड्यूसर की भी तलाश है। सुनने में आ रहा है कि इस टीवी शो को सलमान खान फिल्म्स भी सपोर्ट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कपिल शर्मा के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी। वैसे इसकी देरी की वजह एक और भी है, और वो है कपिल शर्मा की शादी। हालांकि इस पर खुद कपिल साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये टीवी शो उनकी शादी से पहले ही ऑन एयर हो जाएगा। वहीं एक और सूत्र ने बताया है कि KBC के शूट की आखिरी तारीख 21 नवंबर है। अगर कपिल को यही सेट चाहिए तो इसे रिकंस्ट्रक्ट करने में वक्त लगेगा, और ये 20-25 दिन में हो पाएगा। ऐसे में शूटिंग दिसंबर के लास्ट तक शुरू नहीं हो सकती है। हालांकि अभी इस खबर पर कपिल की तरफ से कोई भी सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो ये कपिल के फैंस के लिए काफी बड़ा झटका होने वाला है। तो अब कपिल के फैंस आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।